तो फ्रेंड्स ये वही चीज है जो आपके बालों को लंबा कर देगा, आपके बालों को काला घना चमकदार बनाएगा। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मैं एक ऐसी रेमेडी आपसे शेयर करने वाली जो आपके बालों को लंबा तो करेगी, साथ ही आपके बालों का झड़ना रोक देगी। और ये हमारे जो है किचन में ही मिल जाती है, बहुत इजीली आपको अपने घर पे ही मिल जाएगी। आप देखेंगे आपके बालों का झड़ना तो रुक गया है, आपके बाल टूटने भी बंद हो गए, आपके बाल काले घने चमकदार बनेंगे इस रेमेडी से। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। देखिएगा फ्रेंड्स, हमने लिया है एक ग्लास के करीब पानी। हमें लेना है आयरन की इस तरीके से कढ़ाई, ले लीजिए आप। तो हमें डालना है एक ग्लास के करीब पानी इस तरीके से। देखिएगा फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ वो है चाय की पत्ती। आप यहाँ पे हरी वाली चाय की पत्ती भी ले सकते हैं, और आप जो है पीने वाली चाय की पत्ती होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पीने वाली चाय की पत्ती डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिएगा, अब जो है मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून इस तरीके से, 1 से 2 टेबल स्पून इस तरीके से, ये देखिएगा 2 टेबल स्पून चाय की पत्ती यहाँ पे मैंने ऐड कर दी है। अब देखिएगा सेकंड इंग्रेडिएंट जो हमें यहाँ पे डालना होगा वो फ्रेंड्स ये है तेजपात के पत्ते। ये हमारे बालों में इन्फेक्शन होने से रोकते हैं, हमारे बाल में अगर डैंड्रफ की प्रॉब्लम है उसको भी दूर करते हैं, हमारे बालों को सिल्की शाइनी बनाता है। तो आप चाहें तो डाल सकते हैं, मैंने यहाँ यूज किया है। ये हमारे बालों को जो है स्मूथ भी बनाएगा, हमारे बालों में डैंड्रफ की सारी समस्या को ये खत्म कर देगा। और हमें इसे जो है हाफ रहने तक पकाना है। देखिएगा फ्रेंड्स, ये देखिएगा आप देख रहे हैं कलर जो है चेंज होना स्टार्ट हो गया, चाय की पत्ती अच्छे से जो है इसमें पकना स्टार्ट हो गई है, और हमें हाफ रहने तक ही इसे पकाना है। जो चाय की पत्ती होती है हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग करती है, हमारे बालों को टूटने से रोकती है, हमारे बालों में जो है स्मूथनेस लाती है, जितने भी हमारे फिजीनेस होती है बालों में तो कंडीशनर का काम करती है चाय की पत्ती। इस तरीके से आप चला दीजिए इसे और हाफ रहने तक पकाइए। फ्रेंड्स देखिएगा ये जो है हाफ रह गया है। अब मैं कर देती हूँ गैस का फ्लेम बंद, और चलिएगा हम इसे स्ट्रेन आउट कर लेते हैं, यानी कि छान लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिएगा इस तरीके से हमने इसे स्ट्रेन आउट कर लिया इस तरीके से, ये देखिएगा। और ये जो है आप पेड़ों में डाल सकते हैं। ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरीके का सीरम रेडी हो चुका है, आप देख रहे हैं। अब चलिएगा अब हम इसमें डालते हैं 2 विटामिन ई के कैप्सूल। ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये है विटामिन ई के कैप्सूल, यहाँ मैं 2 कैप्सूल ऐड करूंगी इसके अंदर। इस तरीके से हम इसमें डाल देंगे विटामिन ई के 2 कैप्सूल। ये देखिएगा मैंने इस तरीके से ये डाल दिया है। फ्रेंड्स इस तरीके से आप इसे मिक्स कर दीजिए, और ये सीरम बनकर हमारा रेडी हो चुका। चलेगा मैं आपको इसे 2 तरीके से लगाना बताती हूँ। देखिएगा फ्रेंड्स, अगर आप जो है अपना हेयर वॉश करते हैं तो आप इसे लास्ट में डाल लीजिए अपने हेयर में, अच्छे से आप जो है अपने बालों में अच्छे से इसे जो है मसाज कीजिए, और फिर आपको 1 से 2 मिनट मसाज करने के बाद नॉर्मल वाटर डाल लेना है अपने हेयर के ऊपर, या आपके एज ए कंडीशनर काम करेगा, आपके बाल जो है सिल्की हो जाएंगे। आप इसमें चाहें तो एलोवेरा जेल भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसे सीरम की तरीके से लगा रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं अपने बालों में बोतल के अंदर डालकर, तो आप इसमें जो है एलोवेरा मत मिक्स कीजिए, क्योंकि फिर वो बोतल में जो है फंसने लगता है। आप इसे जो है ओवरनाइट लगाइए, यानी कि रात में आप लगा के सोइए, सुबह जो है अपना हेयर वॉश करते हैं उस तरीके से आपको वॉश कर लेना है। ये दोनों तरीके से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, कंडीशनर करेगा डीप, और आपके बाल जो है झड़ने भी बंद होंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, और इसे वीक में आपको 2 बार लगाना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉच।